planning to expand in the north region in coming months. Right now we have 3-4 salons. अभी श्रीनगर में हमारे 3 है, ये दिल्ली में पहला है. सो वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, वी आर प्लानिंग टू ओपन इन जम्मू इन कपल ऑफ मंथ्स. तो अभी इसको पैन इंडिया लेके जाने का प्लान है. सो दिस इज जस्ट द बिगनिंग, लेट्स सी क्या होता है आगे आगे. सर क्या स्पेशलिटीज है थोड़ा वो बता दीजिए. हमारा जो यू नो द थीम इज गेट वैल्यू फॉर योर मनी. यू नो पीपल विल स्पेंड उनको अपने यू नो द अमाउंट दे स्पेंड दे'ल गेट द वैल्यू. ठीक है जी. तो हमारा एम्बियन से लेके सर्विस से लेके पूरा स्टाफिंग तक, तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो दैट इज द बेसिक यू नो एम ऑफ एंट्रोस. ये सब जैसे कल फेस्टिवल भी है लेडीज स्पेशल, तो इसका कोई स्पेशल कोई पैकेज डिस्काउंट वगैरह कुछ इसके ऊपर? कल हम फ्री करवा चौथ मेकअप कर रहे हैं, यू नो फॉर एंट्री ऑफर. तो कल टुमारो वी आर डूइंग फ्री मेकअप्स फॉर ऑल द वुमेन जो करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही है कल. देखिए मेरी शादी हो गई होती तो फिर मैं इसका फायदा उठा सकती थी, इस फ्री मेकअप का. नहीं आप ऐसे भी रह सकते हैं. आप मैडम आज आप यहाँ पे क्या खास लेने वाली हैं पैकेज? नहीं मैं आज यहाँ वेजी को और एम्प्रेस सलोन की ये जो दिल्ली में फ्रेंचाइज खुली है उनको मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ. मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये देखना कि सब जगह हम यही सुनते रहते हैं ना कि इस साल कोई खास अच्छी खबर नहीं आई है. इस साल हमने सिर्फ बुरी ही चीजें सुनी है और इतनी बातें हुई हैं आर्थिक मंदी की. तो इस दौर में ये देखना कि एक नया बिजनेस खुल रहा है, एक ऐसा फ्रेंचाइज है, एक ऐसा चेन है जो एक्सपैंड कर रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही जश्न का मौका है. ये बहुत अच्छी बात है. मुझे लगता है कि हर नया ऐसा बिजनेस वेंचर इतनी इतने लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकता है, रोजगार दे सकता है, आमदनी दे सकता है, ऑफकोर्स कंज्यूमर्स को खुश कर सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो रोजगार ये प्रोवाइड करेंगे जो इन्होंने श्रीनगर में अपने 3 सलॉन्स के साथ किया, अब यहाँ दिल्ली भी आए हैं. सो आई थिंक ये सबसे इस पूरे सिचुएशन की सबसे प्रशंसनीय और सकारात्मक बात है. लोगों के लिए कोई संदेश खास इस जो इस सैलून को लेकर? नहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत सैलून है और एज हम यू नो एक्टर होने के नाते, अभिनेता अभिनेत्री होने के नाते, लड़कियां होने के नाते, खैर लड़के भी जाते हैं ऐसी बात नहीं है और जाना भी चाहिए. अच्छा यू नो ग्रूम्ड रहना सबके लिए जरूरी है, उसमें कोई या इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, लिंग का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक मैं काफी सारे सलॉन्स जा चुकी हूँ एंड आई थिंक कि जिस किस्म का इन्होंने भी बात करी है, लेकिन इतना खूबसूरत एम्बियंस मैंने और इतना एटिपिकल, मतलब मैंने ऐसा एम्बियंस कभी नहीं देखा है किसी सलॉन में. बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है. आई थिंक कि बहुत एक कंफर्टिंग वाइब है, एक बहुत लग्जूरियस वाइब है. साफ सफाई बहुत अच्छी है और जिस तरीके से इनका स्टाफ है बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्म, बहुत अच्छे प्रोफेशनली. मैंने आते आते देख लिया किस किस्म का नेल आर्ट कर रहे थे वो मैनिक्योर, तो मेरे नेल्स की काफी बुरी हालत है. सो आई थिंक दैट मुझे काफी मौका लगेगा यहाँ एम्प्रेस वापस आने का. कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में लोग जाने में बहुत बच रहे हैं. मैं मास्क पहन के आई थी गाड़ी में, मैंने अभी निकाला फोटोज के लिए. ओके, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो लोग सैलून जाने से बच रहे हैं उनके लिए? नहीं देखिए अनफॉर्चुनेटली अब हमें आई थिंक सब पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पर हम अब समझ गए कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा. सेफ्टी ऑब्वियसली बरतनी पड़ेगी, एक सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी और जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक दवाई नहीं आती है, तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए. ये कई हमारी सरकारें भी कह रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या सरकार हो या राज्य की सरकारें हों. सो आई थिंक कि कोरोना के साथ अब समझदारी से हमें डील करना पड़ेगा, लेकिन आम जिंदगी रुक नहीं सकती है. यू नो अल्टीमेटली हमने लॉकडाउन करके भी देख लिया, लेकिन मतलब रोटी तो कमानी पड़ेगी लोगों को. एंड जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हर ऐसा वेंचर हमें इसे हमें देखना चाहिए कि एक रोजगार का भी मौका है और जो कि इस वक्त हमारे देश में सबसे जरूरी चीज है. शायद मैम कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स बनाने के लिए लोग डर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैं कहूंगी कि मतलब इस गंदे से साल में कम से कम हमें अब कुछ खुशी और त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है. आई थिंक कि ध्यान बरतना चाहिए, सावधानी से मनाना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके मनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क रखने चाहिए. बट आई थिंक कि मतलब हमें हम डिजर्व करते हैं थोड़ी खुशी इस साल, क्योंकि इस साल काफी डिप्रेसिंग रहा है. कोरोना का जो समय रहा है वो कलाकारों के लिए सबसे दुखद रहा है और वो अभी तक भी इस पूरी परेशानी से जूझ रहे हैं.
क्या मैम इसके लिए? और सैलून, जैसे सर ने बताया 3 सैलून ऑलरेडी थी और एक लंबे टाइम तक लॉकडाउन में रहा, तो एक इतना बड़ा सेटअप को मैनेज करना और उसको रनिंग कॉस्ट को निकालना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी होगा। नहीं, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, आई हैव बीन मैनेजिंग सैलून्स फ्रॉम लास्ट 10 to 10 इयर्स, तो दिस इज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस, तो हो जाएगा। मैम कोरोना के लिए कलाकारों के लिए क्या रहेगा? नहीं देखिए, कलाकारों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए खासकर ऑफकोर्स कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, साथ में जो मीडिया के साथियों से चपत लगी हमें पिछले 3 महीनों से, जो लताड़ें पड़ रही हैं वो भी काफी डिप्रेसिंग और बुरा दौर रहा बॉलीवुड के लिए। कई सारे बेबुनियाद और बहुत ही भद्दे किस्म के इल्जाम लगे हमारे ऊपर, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को तो डबल अटैक आया है, इसलिए मेरी हैप्पी टू वेज जी जिन्होंने हमें वापस बुलाया, बनिस्पत इसके कि इतने आजकल बॉलीवुड के लोग बदनाम हैं, बट थैंक यू टू हिम फॉर एंड फॉर रिमाइंडिंग अस एंड यू ऑल दैट यू नो हम उतने भी बुरे नहीं है। आई थिंक दैट कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा है, बट जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश के लिए मुश्किल वक्त रहा है और हमारी इंडस्ट्री खास करके लोग रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन टॉप स्टार्स और टॉप के जो टेक्नीशियंस हैं उनको छोड़ के बिल्कुल पर डे पे चलने वाली इंडस्ट्री है, वो डेली वेतन कमाने वाली इंडस्ट्री है। तो लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है, बट चीजें खुल रही हैं, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। अभी आपने कहा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा लताड़ा भी, और एक वर्ड आपने और यूज किया, हम इतने भी बुरे नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है बॉलीवुड में। भाई इंसान में कुछ कमियां तो होती है सर, आप भी बिल्कुल भगवान रूपी तो नहीं होंगे, कुछ एक कमियां तो आप में भी होंगी, खामियां आपकी पत्नी शायद बताए बेहतर। लास्ट पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तरह तरह के गॉसिप्स आपको लेके चल रहा है, ऐसे जी मैम ऐसे में आप सैलून में आते हैं, कौन से गॉसिप? मैंने नहीं पढ़े कोई गॉसिप, मैं तो घर पे हूँ अपने मम्मी पापा जेएनयू से लेके, आपका जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए उनमें गॉसिप होता है? नहीं मैम, लगातार हम क्रिटिसिज्म आपको लेके लगातार, क्रिटिसिज्म का क्या है यार, अब कुछ तो लोग ऐसे में आप क्या ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आपको अपना टेंशन कैसे मैनेज करते हैं? गालियां खाते हुए कैसे सुंदर लगो ये बताएं। बस आई थिंक दैट मतलब देखिए, पब्लिक पर्सनालिटी होने का एक एक साइड इफेक्ट है कि लोग कुछ करेंगे, कुछ घटिया लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, जो अपने एक वो अंडे वाली डीपी के पीछे छिपके कुछ भी बोलना पसंद करते हैं, मतलब ऐसे लोगों का क्या कह सकते हैं आप, यू नो जैसे कहते हैं कि मतलब रोड पे गटर होता है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि रोड पे चलना छोड़ दोगे, आप गटर से बचिए, मत घुसिए उसमें। नहीं देखिए, अनफॉर्चुनेटली अब हमें आई थिंक सब पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पर हम अब समझ गए हैं कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, सेफ्टी ऑब्वियसली बरतनी पड़ेगी, एक सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक दवाई नहीं आती है, तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ये कई हमारी सरकारें भी कह रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या सरकार हो या राज्य की सरकारें हों। सो आई थिंक कि कोरोना के साथ अब समझदारी से हमें डील करना पड़ेगा, लेकिन आम जिंदगी रुक नहीं सकती है, यू नो अल्टीमेटली हमने लॉकडाउन करके भी देख लिया, लेकिन मतलब रोटी तो कमानी पड़ेगी लोगों को, एंड जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हर ऐसा वेंचर हमें इसे हमें देखना चाहिए कि एक रोजगार का भी मौका है, और जो कि इस वक्त हमारे देश में सबसे जरूरी चीज है शायद। मैम कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स बनाने के लिए लोग डर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैं कहूंगी कि मतलब इस गंदे से साल में कम से कम हमें अब कुछ खुशी और त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है, आई थिंक कि ध्यान बरतना चाहिए, सावधानी से मनाना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके मनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क रखने चाहिए, बट आई थिंक कि मतलब हम डिजर्व करते हैं थोड़ी खुशी इस साल, क्योंकि इस साल इस काफी डिप्रेसिंग रहा है। कोरोना का जो समय रहा है वो कलाकारों के लिए सबसे दुखद रहा है और वो अभी तक भी इस पूरी परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या मैम इसके लिए? और सैलून, जैसे सर ने बताया 3 सैलून ऑलरेडी थी और एक लंबे टाइम तक लॉकडाउन में रहा, तो एक इतना बड़ा सेटअप को मैनेज करना और उसको रनिंग कॉस्ट को निकालना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी होगा। नहीं, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, आई हैव बीन मैनेजिंग सैलून्स फ्रॉम लास्ट 10 टू 10 इयर्स, तो दिस इज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस, तो हो जाएगा। मैम कोरोना के लिए कलाकारों के लिए क्या रहेगा? नहीं देखिए, कलाकारों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए खासकर ऑफकोर्स कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, साथ में जो मीडिया के साथियों से चपत लगी हमें पिछले 3 महीनों से, जो लताड़ें पड़ रही हैं वो भी काफी डिप्रेसिंग और बुरा दौर रहा बॉलीवुड के लिए। कई सारे बेबुनियाद और बहुत ही भद्दे किस्म के इल्जाम लगे हमारे ऊपर, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को तो डबल अटैक आया है, इसलिए मेरी हैप्पी
तो वैजी जिन्होंने हमें वापस बुलाया, बनिस्पत इसके कि इतने आजकल बॉलीवुड के लोग बदनाम हैं, बट थैंक यू टू हिम।